द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। मुझे पहले जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग, हु इज लाफिंग। नेक्स्ट इज हो गई फ्री अब आप, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू फ्री नाउ, आर यू फ्री नाउ। मुझे खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग, आई फील लाइक ईटिंग। वह बात करने में लगा हुआ है, ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग, He is engaged in talking. Next is, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, I want to get rid of him. Friends, get rid of him का मतलब होता है उससे छुटकारा पाना। Next is, सोचने दो मुझे, let me think. मुझे अपने आप पर भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे सब बताओ, टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग। चलो अब घर चलते हैं, लेट्स गो होम नाउ, लेट्स गो होम नाउ। मैं किसी से बात नहीं करूंगी, आई वॉन्ट टॉक टू एनी वन, आई वॉन्ट टॉक टू एनी वन। फ्रेंड्स, यहां पर वॉन्ट है, इसका मीनिंग है विल नॉट, विल नॉट को हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस। अलार्म बंद कर दो, टर्न ऑफ द अलार्म, टर्न ऑफ द अलार्म। आप एक काम करिए, यू डू वन थिंग, यू डू वन थिंग। यह मेरे दिमाग से निकल गया, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। और सिंपली हम बोल सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड। नेक्स्ट इज आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। नेक्स्ट इज मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। इसलिए मुझे सोने दो, सो लेट मी स्लीप, सो लेट मी स्लीप। इसलिए मुझे सोने दो। नेक्स्ट इज तुम्हें यह देखना चाहिए, यू मस्ट सी दिस, यू मस्ट सी दिस। आप इसे एक तरफ रख दे, प्लीज कीप इट असाइड, प्लीज कीप इट असाइड। यह मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी, लीव इट ऑन मी। अंदर कोई नहीं है, देर इज नो बडी इनसाइड, देर इज नो बडी इनसाइड। आजकल मेरा हाथ बहुत तंग है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हार्ड अप दीज डेज, आई एम हार्ड अप दीज डेज। नेक्स्ट इज मैं इस मामले में सोचूंगा, आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, आई विल थिंक ओवर दिस मैटर।
आप एक घंटा लेट हो गए हैं. यू आर लेट बाय एन आर. यू आर लेट बाय एन आर. क्या तुम अभी तक जाग रहे हो. आर यू स्टिल अवेक. आर यू स्टिल अवेक. मेरा पेन कहीं नहीं मिल रहा है. आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर. आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर. सबको ऐसा ही लगता है. एवरीबडी थॉट सो. एवरीबडी थॉट सो. सबको अंदर ले जाओ. गेट एवरी वन इनसाइड. गेट एवरी वन इनसाइड. चुपचाप बाहर जाओ. गो आउट क्वाइटली. गो आउट क्वाइटली. कोई ध्यान नहीं देगा. नोबडी विल नोटिस. नोबडी विल नोटिस. मेरे रास्ते से हट जाओ. मूव आउट ऑफ माई वे. मूव आउट ऑफ माई वे. मेरे रास्ते से हट जाओ. क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं. डू यू रियली मीन दैट. डू यू रियली मीन दैट. दीवारों के भी कान होते हैं. इवन द वॉल्स हैव ईयर्स. इवन द वॉल्स हैव ईयर्स. मुझे ये सब मत बताओ. डोंट टेल मी ऑल दिस. डोंट टेल मी ऑल दिस. सीधे बैठो. सिट अपराइट. सिट अपराइट. उसकी मजाक मत बनाओ. डोंट मेक फन ऑफ हिम. डोंट मेक फन ऑफ हिम. मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. आई फील मच बेटर. आई फील मच बेटर. क्या यह हंसने का समय है. इज इट टाइम टू लाफ. इज इट टाइम टू लाफ. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. आई नेवर सेड दैट. आई नेवर सेड दैट. तुम सच में मूर्ख हो. यू आर रियली फूल. यू आर रियली फूल. मैं आपका नौकर नहीं हूं. आई एम नॉट योर सर्वेंट. आई एम नॉट योर सर्वेंट. मेरे पास पैसा नहीं है. आई हैव नो मनी. आई हैव नो मनी. उसे छुट्टी नहीं मिली. ही कुड नॉट गेट लीव. ही कुड नॉट गेट लीव. खिड़कियों को ठीक से बंद कर देना. सेट द विंडोज प्रॉपरली. सेट द विंडोज प्रॉपरली. फर्श पर मत थूको. डोंट स्पाइट ऑन द फ्लोर. डोंट स्पाइट ऑन द फ्लोर. गाड़ी से उतर जाओ. गेट ऑफ द कार. गेट ऑफ द कार. और अगर हम बोलते हैं गाड़ी में चढ़ जाओ तो उसको बोलेंगे गेट ऑन द कार. गेट ऑन द कार. मुझे शांति से जीने दो. लेट मी लिव पीसफुली. लेट मी लिव पीसफुली. मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा. आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू. आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू. मुझे दोनों पसंद हैं. आई लाइक बॉथ. आई लाइक बॉथ.
आपको क्या हुआ? What happened to you? What happened to you? पैर घसीट कर मत चलो. Don't drag your feet. Don't drag your feet. Next is, तुम्हें बहुत समय बाद देखा. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे See you after a long time. See you after a long time. उसे देखकर अच्छा लगा. Nice to see him. Nice to see him. क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? Do I look good? Do I look good? मुझे घर छोड़ दो. Drop me home. Drop me home. दोस्तों यहां पर भी आपको होम से पहले on या फिर एट या फिर टू कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है. और दोस्तों होम एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट इज, तुम्हारा घर कहाँ है? Where is your home? Where is your home?